सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड चैनल और मैं हूं आपके साथ अनुज प्रसाद। हम बात कर रहे हैं पांकी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। पांकी प्रखंड में तमाम प्रत्याशी अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं पांकी प्रखंड के पकरिया पंचायत में, जहाँ इमराना परवीन जो है सो पंचायत समिति पद के लिए इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोगों की इनके समर्थन में भीड़ उमड़ी हुई है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यदि वे पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो वे सबसे पहले विकास के लिए क्या करेंगे। आगे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर। मैं विकास के लिए सामने खड़ी रहूंगी, सबके सामने मैं विकास करूंगी, मैं विकास के लिए आगे भी चलूंगी और ना जात पात का मैं कोई भेदभाव रखूंगी और सेवा के लिए मैं हर वक्त खड़ी रहूंगी। पंचायत समिति पद पे जो प्रत्याशी जीत दर्ज किए थे वे क्षेत्र के लिए क्या विकास किए, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और इस बार इनका क्या प्लान है। मेरा प्लान है सर, मेरा प्लान है कि हम अपना गांव को विकसित बनाएं, नल के जगह नल दें, पानी दें और बिजली पानी हॉस्पिटल अस्पताल जहीं कहां जहां भी हो सब में हम अभी करना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये पंचायत चुनाव में अगर जीत दर्ज करते हैं तो वे पंचायत क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हैं उसे पूर्ण करने का कार्य करेंगी। नाम बताएं आप। मेरा नाम हुआ सैयद रिजवान आलम, मैं इनके हस्बैंड हूँ जी। जनता अगर हमें चुनती है तो सबसे पहले मैं जनता के विकास के लिए आगे काम करूंगा जी। मैं इससे पहले फोर्स में रहते हुए भी हर संभव अपने पंचायत का सेवा करते रहा हूँ, मेरे पिताजी भी करते रहे हैं, आगे भी मैं करता रहूँगा जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वे इस बार अपना समर्थन किसे दे रहे हैं। में जो पंचायत चुनाव होने वाला है तो इस बार इनकी क्या उम्मीदें हैं प्रतिनिधियों से। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सैयद अब्दुल अहदा है। गांव में कितना विकास हुआ है, इस बार भी पंचायत चुनाव की तिथि नजदीक आ गई है, 24 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो ये बताइए कि इस बार उम्मीदें क्या हैं आपकी। उम्मीद तो चुनाव जीत रहे हैं। ये बताइए कि आपका समर्थन इन्हें ही क्यों। इन नहीं भी थे तभी समर्थन दे रहा था हर गरीबों का, मतलब लगातार ये सेवा किए हैं। तो इनके वाले साहब है सदर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम है सूफी रजा। ये बताइए कि पकरिया पंचायत में इस बार पंचायत चुनाव में क्या बदलाव होने वाला है, किसे आप समर्थन दे रहे हैं। जी हम तो इमराना परवीन को देने जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं। इसलिए कि पहले विकास नहीं हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि अपना गांव का ही पंचायत समिति रहे और विकास हो। इससे पहले गांव के जो पंचायत समिति थे विकास नहीं कर पाए। कितनी उम्मीदें हैं ये। उम्मीद तो पूरा है, 100% उम्मीद हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ग्रामीण हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पकरिया पंचायत में क्या इस बार बदलाव होने वाला है और इस बार क्या उम्मीदें हैं। नाम बताएं अपना। मेरा नाम इकबाल खां है, टैया के रहने वाले हैं और सदर साहब के लड़की पुतो खड़ी हुई है। पंचायत समिति में चुनाव निकालने से कोई नहीं रोक रहा है। कितनी उम्मीदें हैं इनसे। इनसे 50 उम्मीदें हैं। क्या लगता है कितना विकास कर पाएंगे, महिला प्रत्याशी हैं बताइए। जीतने के बाद पूरा विकास, पूरा पब्लिक का विकास है कि वो करेंगे। आप लोगों का समर्थन ही नहीं। पूरा समर्थन है हम लोग का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना पकरिया पंचायत के काफी ग्रामीणों को जो सिर्फ और सिर्फ महिला प्रत्याशी पर अपनी नजर जमाए हुए।